धारनी तहसील में किसानों के खेतों में सड़ा सोयाबीन। धारनी तहसील के कृषि अधिकारी और पंचायत समिति कृषि विस्तार अधिकारी का तहसील के किसानों पर ध्यान ही नहीं, कृषि विभाग का किसानों की ओर किसी भी तरह का ध्यान नहीं और ना ही पटवारियों का। इसलिए आज धारनी तहसील के सभी किसान अपनी समस्या को लेकर धारनी उपविभागीय अधिकारी मिताली मैडम को ज्ञापन दिया है। पटवारी भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई प्रकार की कोई भी किसान के खेत में कोई भी अधिकारी आया हुआ नहीं है। और जो काश्तकारों ने ये साल बीमा जो निकाला है तो जिनका पूरा नुकसान हुआ उनको कम से कम बीमे का रकम मिलना चाहिए। ये हमारे एरिया में पूरी यहाँ सोयाबीन की जो फसल है पूरी खत्म हो गई, 0% हो गया। लोग अपने फसल में जानवर चरा रहे, रोटावेटर मार रहे। इसलिए हम मैडम के पास आए थे कि भाई इसका सर्वे होना चाहिए और जल्दी से जल्दी शासन के तरफ से सब काश्तकारों मदद होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अभी खरीफ गई तो रबी की फसल तो भी आना चाहिए। इसलिए शासन के तरफ से जल्दी हमको मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले 4 साल से इसी प्रकार सोयाबीन के उत्पादन में घट होने की वजह से सरी का एक दुष्कर स्थिति है और पिछले बियाने गलत होने से काश्तकारों का फसल उगई नहीं, लेकिन शासन की ओर से कोई भी किसी प्रकार का मदद नहीं हुआ। काश्तकारों ने कर्जाबाजारी करके कैसे भी अपना खेत बोया है, लेकिन सोयाबीन के फसल हाथ से निकलने जा रहा है, इसलिए अगले रबी का फसल कैसे बोए ये संकट में काश्तकार दिख रहे हैं। इसलिए सरकार ने इस पर तत्काल ध्यान रख के सरसकट कर्जे के उनको मदद देना चाहिए। सर्वे की इसमें पड़ेगा तो बहुत सारे लोगों के पास अभी सरकार के सोयाबीन खत्म होने के बाद में सर्वे आएगा तो सभी काश्तकार वंचित रह जाएंगे। इसलिए सरसकट आने वाले बियाने के लिए या रबी फसल के लिए सरकार ने तत्काल मदद करना चाहिए। सभी किसानों की ओर से निवेदन देते समय रसिक पटेल, राधेश्याम गंगाड़े, नवनीत गंगाड़े, राजा गुप्ता, लोकेश मालवीय, हीरालाल मावसकर, सालफड़े, दिनेश धनेवार, पंड्या और कई किसान उपस्थित थे। NBC News के लिए धारनी से संदीप राउत की रिपोर्ट।